प्राथमिक अस्पताल में जानवर सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच अलीगढ़ के इगलास तहसील के गोराई कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सैकड़ों की तादाद में जानवर खुद नहीं आए, बल्कि इनको यहाँ आसपास के किसानों ने लाकर बंद कर दिया है। ये वो आवारा जानवर हैं जो इस क्षेत्र में सड़कों खेतों में घूमते हैं और किसानों की फसल खराब कर देते हैं। इनमें ज्यादातर गाय और सांड हैं। गोराई कस्बे के आसपास गांव के किसान इन दिनों आवारा पशुओं से बहुत परेशान है। वैसे तो किसान खुद अपने अपने खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन आजकल ठंड इतनी ज्यादा है कि किसान रात के समय खेतों की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। गांव में घूमने वाले आवारा पशु जिनमें गाय और सांड बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, वो किसानों के खेतों में घुस जाते हैं और पूरी की पूरी फसल तबाह कर देते हैं। कई बार तो ये आवारा जानवर झुंड में खेतों में घुस जाते हैं, सुबह देखो तो पूरी फसल चौपट। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रात को ही खेतों में घुसते हैं, बल्कि दिन में भी ये किसानों के खेतों को बर्बाद कर देते हैं। किसानों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। आज इलाके के किसानों ने इकट्ठे होकर इन सभी आवारा पशुओं को पकड़कर इलाके के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बंद कर दिया। उनका कहना है कि जानवरों से उनकी फसल तबाह हो रही है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी का कहना है ये चीज ठीक नहीं है। हमने सभी जगह के SDM को बोला है कि ग्राम प्रधान के साथ मिलकर इस समस्या का निदान करें, वहां चारे की व्यवस्था करें। ये जो स्वास्थ्य केंद्र में जानवरों को इकट्ठा करने की परंपरा शुरू हो रही है, ये ठीक नहीं है। जनता बहुत परेशान है, सांडों का जोर ज्यादा है और साहब इसमें कई जगह झगड़ा हो चुका है और फौजदारी हो चुकी है और साहब हमारा और किसान भाई बहुत परेशान है और खेत को नष्ट फसल को नष्ट कर रहे हैं। आज क्या किया है आपने? आज ये किया है कि स्वास्थ्य केंद्र गोरई डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में सभी गांवों को क्षेत्रवासियों की जितनी बार गाँव है उतनी सबको जमा किया है। कहाँ पर जमा कर दिया? गोरई स्वास्थ्य केंद्र अलीगढ़। क्या नाम है आपका? राजपाल सर। हमारा ये गोरई क्षेत्र काफी बड़ा है और उस हिसाब से हम एक गौशाला की डिमांड रखते हैं, इसलिए आज यहाँ पर सभी परेशान हैं। क्या है कि जाड़े की नाइट है, काफी जाड़ा पारा पड़ता है, पारे से फसल परेशान है, लेकिन किसान इस उससे परेशान है, गऊओं से और बाजारों से। अब उनको रखाएं, उनके रखाने में कोई तकलीफ हो जाता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ, काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरई पर इनको सभी को एकत्रित कर दिया गया है। तकरीबन 700-800 गऊ इस समय इससे में बंद है और यहाँ पर तकरीबन हजारों की संख्या में लोग भी हैं जो क्षेत्र से आए हुए हैं और यही हमारी प्राथमिक प्रार्थना है सभी से जो भी सुने। क्या नाम है हमारा? इसका निधन हो। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और गोरी सिंह। पूरा मामला क्या है साहब? भारी तादाद में गाय और बिजार है और किसानों का नुकसान हो रहा है। सारी सारी रात जागते फिरते परेशान हो जाते हैं किसान और बीमार हो जाते हैं, सारी रात जगना पड़ता है। फिर किसी के पास 5 भी आ गए हुए, सारे एक साथ बिल्कुल एकदम बराबर कर देते हैं। नुकसान भारी है, बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी अधिकारियों को भी अवगत कराया है इस समस्या के बारे में? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं करा, लेकिन आज हमारे यहाँ पर गोरई पर सारे क्षेत्र की जनता और सारे ग्राम प्रधान सभी यहाँ पर एकत्रित है। कम से कम 1000-2000 की आबादी में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और गायों को बिजारों को इसमें हॉस्पिटल है जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बंद किया गया है। मेरा नाम हरवान सिंह, ग्राम प्रधान बासुदामा जी। को यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद किया है, क्या मामला है? पूरा मामला ये ऐसा, पूरे जो है हमारे खेतों को उजाड़ रही है और किसान बहुत ज्यादा परेशान है, पूरी रात जागते रहता है, फिर भी सुरक्षा नहीं होती खेती की। कोयले में बीमार हो, कोयले में बीमार पीड़ित पड़े हुए हैं लोग। और बोलो, अब हम तो ये चाहते हैं कि ये जो है किसी गौशाला में या कहीं भी भिजवा दी जाए जहां आप उचित समझे। आपने इन गायों को कहां पे बंद कर दिया है? चिकित्सालय में कर दिया है, गोरई चिकित्सालय में। अभी तक कोई प्रशासन वगैरह कोई यहाँ पे आया या कोई नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? पूरी जनता परेशान है, श्याम बिहारी। ये चीज ठीक नहीं है। मैंने कल SDM को निर्देशित किया है कि आप हर गांव के प्रधानों की बैठक बुलाइए, जहां भी हमारे पास चरागाह की जमीन है, और ग्राम प्रधान की बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि 14वें वित्त की धनराशि उसके पास है, राज्य वित्त की धनराशि उसके पास है, मनरेगा में भी ग्राम सभा को भी प्रस्ताव करना होता है, तो तीनों से डपटेल करके एक छोटी छोटी मिनी पशु सेवा केंद्र वहाँ गाँव में विकसित कराया जाए। गोरई स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पशु, हाँ, इस तरह की एक परंपरा, एक गलत परंपरा पड़ रही है। अभी मैंने SDM से बोला है कि आप जाके बात करिए उन लोगों से, और क्योंकि ये जो जितने भी पशु हैं ये सब गांव वालों के ही हैं,
और गांव वाले ही उनको छोड़ करके बाहर कर रहे हैं और वही वो कर रहे हैं। आज जो हम इगलास से कल जो पकड़े गए थे उनको आज हम जट्टारी वाली जो गौशाला उसमें भेज रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। तो ये इस तरह से एक ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन शीघ्र ही मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और आराम से इस समस्या का समाधान होगा। और शासन भी गंभीर है, कल चीफ सेक्रेटरी साहब की बीसी हुई थी उसमें भी इस समस्या को लेकर के शासन स्तर पर भी प्रयास चल रहा है, और जो नगर निगम है वहाँ पर भी 10-10 करोड़ रुपये सैंक्शन हो रहे हैं। DPR हमारी गई हुई है नगर निगम की, जहाँ पर कान्हा पशु सेवा केंद्र बनेगा, प्रत्येक नगर पालिका नगर पंचायत कौड़ियागंज में हमारी गौशाला बन रही है, इसी प्रकार से जितनी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं हैं वहाँ पे 2-2 करोड़ का स्कीम है, जहाँ पे हमने अब एक सप्ताह में हम इसका DPR बना के भेज देंगे, तो वहाँ पे भी बन जाएगा। तो ये समस्या थोड़ा बड़ी है, लेकिन अगले 1-2 महीने में सारी व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से हो जाएगी।